प्रॉपर्टी है, अगर मैं मेट्रो से बात करूं तो 400-500 मीटर पे है, 11,000-21,000 में लेके आने हैं। बाकी 90-95% तक जो लोन है 10 श्योम एसोसिएट की टीम आपको करवा के देगी। तो दोस्तों आपके लिए एक फिर से अच्छी फ्लैट लेके आ गए, 2 BHK का ऑप्शन, जो कि आज काफी बढ़िया होने वाला है और बहुत ही अच्छे बजट में होने वाला है। पूरा वीडियो जो आप बाकी देखिए, हमारे साथ भैया हैं। भैया आपने एक बार ऑफिस का सबसे पहले तो नाम वगैरह बताया, एड्रेस वगैरह बताया, कैसे आना हुआ किसी को आपके पास? नमस्कार, सत श्री अकाल। तो मेरा जो ऑफिस का नाम है, द श्योम एसोसिएट के नाम से मेरा ऑफिस है, ठीक है। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो दयालसर रोड पे ऑफिस है मेरा, Z11 दयालसर रोड, उत्तम नगर वेस्ट, ठीक है। हम जो डील करते हैं 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK के अंदर डील करते हैं। अगर मैं 1 BHK की प्राइसिंग की बात करूं तो हमारे पास जो है 13 लाख से स्टार्ट होके 20 लाख तक के 1 BHK है, और अगर मैं 2 BHK की बात करूं तो अराउंड 18 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं, और मैक्सिमम जो है 32 से 35 लाख तक की प्रॉपर्टीज होती है। और अगर मैं 3 BHK की बात करूं तो अभी जो है 27,25 से स्टार्टिंग है, और अराउंड जो है मेरे पास 75 लाख तक की प्रॉपर्टीज है 3 BHK के अंदर, ठीक है। 90% लोन के साथ सारी प्रॉपर्टीज मिलती है आपको, सिर्फ बुकिंग अमाउंट ज्यादा नहीं है, 11,000-21,000 से आप प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं। बाकी जितना लोन है हम आपको इसके अंदर अवेल करवा के देते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम 95% तक भी जो आपका लोन करवा दें, बट आप एलिजिबल होने चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो इनके पास आपको 11,000-21,000 बहुत ही कम आपको अमाउंट बुकिंग का होता है। अगर आपको फ्लैट पसंद आ जाता है आप आए, सबसे पहले काफी सारे आपको फ्लैट के ऑप्शन दिखाएंगे। अगर आपको कोई भी फ्लैट पसंद आ जाए तो 11,000-21,000 कुछ भी आप लेके आएंगे ना अमाउंट, आप फ्लैट बुक कर सकते हैं। 90% तक आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाती है। अब आपको ना इस फ्लैट में आज दिखाने वाले 2 BHK का, तो स्टार्टिंग करते हैं एंट्रेंस से। सबसे पहले भैया ये एंट्रेंस से बताएं, इसका दरवाजा वगैरह थोड़ा दिखाएं किस टाइप का होने वाला है। ये देखिए यहाँ से रहेगा अपना दरवाजा, एंट्रेंस हो जाएगा यहाँ से। अगर मैं दरवाजे के साइज की बात करूँ तो अराउंड हमारे जितने भी इसकी हाइट रहती है 8 फीट की हाइट रहती है, ठीक है। सारे हैवी बोर्ड्स इसके अंदर हम यूज करते हैं। अगर मैं माइका की बात करूँ तो आप जैसा देख रहे हैं टोटल ग्लॉसी माइका इसके अंदर हमने दे रखा है, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कुछ ना कुछ यूनिक देते रहे। और अगर मैं लॉक्स की बात करूँ तो सारी हैवी लॉक्स मिलते हैं इसके अंदर आपको 5 साल की वारंटी के साथ, ठीक है। अब आ जाएंगे अंदर, तो लिविंग रूम रहने वाला है अपना, तो लिविंग रूम का क्या साइज रहेगा? तो लिविंग रूम का जो साइज है अराउंड आपका 10x15 इसका डायमेंशन होने वाला है, 10x15 काफी अच्छा साइज है। 2 BHK के अकॉर्डिंग आप देखें तो बहुत छोटा साइज होता है, यहाँ पे आपको अच्छी साइज बना के दे रहे हैं। और ये टाइल्स कैसा रहने वाला है? ये सारी आपको डिजिटल टाइल्स मिल रही है, सारी 2x2 की टाइल्स है। इसके अंदर आप कलर पैटर्न देखो कितना प्यारा हमने दे रखा है, कितना शानदार आपका पैटर्न है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा मैचिंग आपको दे रखे जैसे वॉलपेपर। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इंटीरियर में जो है ज्यादा फोकस करते हैं कि अपना आप अगर LED पैनल में जो कलर कॉम्बिनेशन दे रहे हैं आपको थोड़ा सा आपको उसी के साथ ही, अगर मैं आपको दिखाऊं वॉलपेपर भी तो कलर कॉम्बिनेशन काफी हम यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। काफी अच्छा वॉलपेपर दिया गया है, देखिए इसमें आप वॉलपेपर देखेंगे ना तो देखिए वॉलपेपर बहुत ही अच्छा 3D लुक में आपको दे रहे हैं। और स्प्लिट AC की फिटिंग आपको पहले से कर रखे हैं फ्लैट के अंदर, देखेंगे तो कोई आपको छेड़खानी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये रहेगा टीवी पैनल, तो टीवी पैनल कैसा रहने वाला? वुडन का है क्या? पूरा वुडन का है, पूरा टोटली वुडन। ये देखिए काफी शानदार बनाया, आप देखो इसके अंदर सारे कवर्स वगैरह हमने दे रखे हैं, इस टाइप से आपको ड्रॉअर वगैरह दे रखे हैं, लाइट की फिटिंग्स वगैरह हो रखी है। और इसका कितना प्यारा दे रखा है, मैचिंग का बहुत अच्छा है, व्हाइट और ब्राउन का, बिल्कुल कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है। और इसमें आपको इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, सब कुछ ऑलरेडी हम फिट करवा के देते हैं। अगर मैं इस पे आपकी बात भी करूँ LED की, तो आप इस पे जो है अपना 74 इंच तक का LED आप लगा सकते हैं, 72 से 74 इंच, मतलब मैक्सिमम साइज आप यूज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा सा फॉल सीलिंग दिखाएं, तो देखिए फॉल सीलिंग बहुत ही शानदार इसमें नॉर्मल में काफी अच्छा किया गया, फैंसी लाइट लगा हुआ है। तो ये फैन वगैरह का अलग से कोई कॉस्ट तो नहीं रहता अपने? नहीं, ये सब इंक्लूडेड होता है, अभी लगा के देते हैं आपको, ठीक है। और अगर मैं फैंस की बात करूँ तो सारे ब्रांडेड मिल रहे हैं आपको। अच्छा, इसके अंदर एक इस साइड फैन है, एक इस साइड है, दो फैन लगा हुआ है और ब्रांड का होगा सारा, सारे क्रॉम्पटन के फैन है ये, ठीक है। और क्रॉम्पटन आपको पता ही है ब्रांड है, बिल्कुल आपको वारंटी वगैरह इसके अंदर सब मिलती है, ठीक है। जगह जगह आपको स्विच दे रखे हैं, फैन वगैरह का आपको सारा सारे ये भी आप देखो कि ब्रांडेड है, कोना कंपनी के हमने यूज कर रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा कॉमन वॉशरूम दिखाते हैं आपको, लिविंग एरिया से जो लगा हुआ आपको कॉमन वॉशरूम, यहाँ पे हमने जो सिटिंग आपको एरिया दे रखा है, यहाँ पे अपनी एल टाइप की सिटिंग कर सकते हो, 20 तक का सोफा आप लगा सकते हो, बिल्कुल साइज बहुत ही बढ़िया आपको दे रखे हैं इसमें। अब ये रहेगा कॉमन वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम की मैं बात करूं तो आपको साइज दिख रहा होगा कितना प्यारा और बिग साइज आपको कॉमन वॉशरूम मिल रहा है। यहाँ पे जो हम आपको ग्लास का पैटर्न जो है लगा के दूंगा, अच्छा लगा के देंगे, बिल्कुल लगा के दूंगा कि आपको ये सेपरेट हो गया, शावर फिटिंग्स वगैरह ऑलरेडी, और ये वॉल टू वॉल का टाइल्स लगा हुआ है ऊपर तक, ठीक है, काफी बढ़िया है। और यहाँ पे आपको वॉल माउंटेड सीट आपको प्रोविजन दे रखा है, सीट जो आपको मैं यहाँ पे सब लगा के देंगे, एग्जॉस्ट आपको देखिए ऊपर दे रखे, कोई दिक्कत नहीं। ये जो प्रॉपर्टी है मैं बताना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को कि ये जो है एल टाइप की प्रॉपर्टी है, अच्छा इसमें आपके दोनों बेडरूम किचन दोनों वॉशरूम टोटल वेंटिलेशन पे है, मतलब इसमें आपको शाम को 5-6 बजे तक लाइट जलाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एल टाइप है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक स्विच जगह जगह दे रखे, आप चाहे तो इधर देख सकते हैं इसी से कॉमन वॉशरूम, और लिविंग एरिया से आप यहाँ पार्टीशन कर सकते हैं, अपने किचन में जा सकते हैं, यहाँ से कर्टन
आराम से। अब मैं दिखाता हूँ आपको किचन, अगर मैं किचन के साइज की बात करूँ तो आपको एल टाइप के अंदर किचन मिल रही है, काफी अच्छा और बिग साइज किचन आपको मिल रही है इसके अंदर। थोड़ा ये क्लीन होना अभी बाकी है, जैसे फ्लैट अभी बनके तैयार हुआ है, थोड़ा सा दिख रहा होगा ऐसा गंदा सा, लेकिन पूरा क्लीन करके आपको देंगे जब तक आप आएंगे। यहाँ देखिए टाइल्स की पूरी फिटिंग है, कोई भी आप सब्जी वगैरह बनाए कुछ भी करें ना, किचन में कोई दिक्कत नहीं आएगा आपका। मैंने आपको बोला कि एल टाइप की प्रॉपर्टी है, सब कुछ वेंटिलेशन में, तो आप देखो कितनी बिग साइज विंडो आपको मिल रही है, साथ में जितना भी माइका है सारा ग्लॉसी माइका मिल रहा है। ये स्पेस है सारा, ये टोटल इसके आप देखो कितना स्पेशियस आपको किचन पूरा स्पेस रहेगा। आप देखो बोथ साइड हमने सनमाइका लगा रखा है, अच्छा दोनों साइड अंदर बाहर दोनों, ये देखिए सनमाइका अंदर भी और बाहर भी, खराब नहीं होगा जल्दी से, कभी खराब नहीं होगा। साथ में आप सारे में एसएस कवर कर रखा है, ये देखिए स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। वॉश बेसिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वॉश बेसिन भी आप देखो ये भी हमने जो है ब्रांडेड दे रखा है, इसके अंदर आपको कटलरी स्क्रेज सारा लगा के देंगे, सब फिटिंग सारी फिटिंग वगैरह सब होके मिलेगी। और आरओ वगैरह भी लगाएंगे क्या यहाँ पे? इसमें आरओ अपना ऑलरेडी हमने प्रोविजन दे रखा है, अच्छा अगर आप कहोगे तो एज अ गिफ्ट के तौर पर मैं आपको इसके अंदर ठीक है आरओ की प्रोविजन दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, सारा कुछ एकदम रेडी है। यहाँ पे देखिए वो आपको हाफ वॉल पे आपको ना टाइल्स भी फिटिंग करके दे रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ऊपर एक फैंसी लाइट भी लगाया गया है अंदर, आप किचन के अंदर भी जो हमने फॉल सीलिंग दे रखी है इसके अंदर, फॉल सीलिंग भी दिखाएं आपको, तो ये देखिए ये रहेगा फॉल सीलिंग अपना। इसके बाद आ जाएंगे हम बेडरूम की तरफ, तो दो बेडरूम में सामने आपको पड़ेगा लिविंग एरिया ये था, किचन ये था, कॉमन वॉशरूम ये था, इसके बाद पहला बेडरूम सेकंड बेडरूम। तो चलते हैं पहले बेडरूम की तरफ, ये देखिए ये रहेगा पहला बेडरूम, सेम ऐसे ही डोर का साइज काफी अच्छा ग्लॉसी लुक में रहेगा। अंदर आते ही क्या साइज रहेगा भैया इसका? इसका जो डायमेंशन है अराउंड 10x11 है इसका डायमेंशन, 10x11 का बहुत बढ़िया साइज है 2BHK के अंदर। देखिए इस टाइप से नीचे सारी जैसा आपको पता ही है डिजिटल टाइल्स लगा के देते हैं आपको, इसका भी कलर कॉम्बिनेशन आप देखो, अगर मैं लिविंग एरिया से दिखाऊँ आपको तो कितना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, डार्क और एकदम लाइट कर रहा है आपको, टाइल्स बहुत अच्छा लगाया गया है इसमें। और वॉलपेपर देखेंगे तो देखिए थोड़ा अलग लुक में वॉलपेपर मिल रहा है इसके, ठीक है बहुत बढ़िया लग रहा है ये भी। इसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी अलमीरा, कितने बिग साइज आपको इसके अंदर, देखिए पूरा वार्डरोब आपको ऐसे सेट करके दे रहे हैं इसमें, और सब में सनमाइका लगा हुआ है आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी स्पेस दे रखे हैं, एलईडी लाइट ऊपर लगा हुआ है, ये देखिए इस टाइप से रहने वाला, नीचे दो ड्रॉअर भी दिए हुए हैं इसमें, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है आपको, कपड़े वगैरह रखना हो कुछ भी रखना हो ना रूम में, आपको कुछ बाहर से लाने नहीं पड़ेगी, रूम में आपको सेट मिलेगा सारा कुछ। इलेक्ट्रिक स्विच यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी विंडो, अगर मैं विंडो की बात करूँ तो देखो आप कितने बिग साइज विंडो इसके अंदर आपको मिल रही है, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए पूरा विंडो दे रखा है यहाँ पे, जो अपना दो टन का एसी लगा सकते हैं आराम से, ऊपर के लिए विंडो एसी लगा है, पॉइंट भी दे रखा है, ठीक है विंडो एसी आराम से, यहाँ से आप अपना ऑन ऑफ भी कर सकते हैं एसी, ठीक है सारा कुछ फिट कर दिए, विंडो एसी आप लगा लें यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा, बाकी आपको विंडो तो दे ही रखे हैं। इसके बाद टीवी पैनल देखेंगे, जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर आप अपने बेड की फेसिंग करते हो तो बिल्कुल सामने जो आपको एक बिग साइज एक एलईडी पैनल भी मिल रहा है इसके अंदर, एलईडी पैनल देगा, बहुत ही अलग डिजाइन इसका हमने ठीक यूज कर रखा है, सारा इलेक्ट्रिक स्विच इसमें भी लगा दिया आपको कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अब सेकंड बेडरूम की तरफ, ये था पहला बेडरूम बहुत ही अच्छे साइज का, सेकंड बेडरूम इसी से निकलते हैं आपको किचन के सामने सामने मिल जाएगा, ये देखिए सेकंड बेडरूम रहेगा ये अपना, क्या साइज रहेगा सेकंड बेडरूम का? इसका तो साइज होने वाला 10x12 का डायमेंशन, ठीक है 10x12, तो सारा ही रूम अच्छे साइज में बनाया गया है, ये देखिए 10x12 का है। इसके बाद इसमें भी वेंटिलेशन पूरा दिया हुआ है प्रॉपर, रूम के साथ जो आपको बालकनी भी मिल रही है आपकी, अच्छा अच्छा मास्टर बेडरूम रहने वाला है, ये मास्टर बेडरूम रहने वाला है, अटैच वॉशरूम साथ में इसके अंदर आपको मिल रहा है, ठीक है और एक एलईडी आपको इसमें भी दे रहे हैं, एलईडी पैनल आपको दे रखे हैं इसमें भी लाइटिंग के साथ, मतलब आपने देखा है कि लिविंग एरिया में भी दोनों बेडरूम में भी सब में हमने सारी जगह दे रखे हैं, ठीक है वॉलपेपर थोड़ा और अलग है इसमें अगर देखेंगे तो, ये देखिए कस्टमाइज देगा इसके अंदर हमने आपको दिए कस्टमाइज वॉलपेपर दे रखा है आपको, ठीक है इसकी जो लाइफ होती है अराउंड 5 इयर्स की इसकी लाइफ होती है, ठीक है सारा कुछ आपको सेट है। यहाँ पे आप विंडो एसी आराम से लगा सकते हैं, कोई भी विंडो एसी लगाना चाहें। अब इसके बाद ना आपको वॉशरूम दिखाया तो अटैच वॉशरूम रहेगा क्योंकि मास्टर बेडरूम है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे देखिए वॉल टू वॉल्स का काफी अच्छा टाइल्स का फिटिंग दिए हुए, कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है। अब इसके अंदर आप देखो अगर मैं टाइल्स की बात करूँ तो सारी आपको डिजिटल टाइल्स मिल रही है, कलर कॉम्बिनेशन इसमें भी हमने डार्क और अपना लाइट कलर दे रखा है ब्लैक और व्हाइट के अंदर, ठीक है गीजर की फिटिंग ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी है आपको, गीजर के लिए पॉइंट दे रखा है, एग्जॉस्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो, और जितनी भी फिटिंग्स हैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जितनी भी आपको फिटिंग्स मिलेंगी टोटली ब्रांडेड मिलेंगी, ब्रांडेड होगी, अभी कुछ बाकी है तो करके देंगे ये सारा कुछ। हाँ जी, और आप एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो गेट्स हैं आप वॉशरूम के अंदर भी जो हमने आपको लॉक दे रखा है, ठीक है ये देखिए जैसे आपको मेन डोर था ना ऐसे ही आपको यहाँ पे यूज किया, कोई आपको कमी नहीं रहेगा फ्लैट में। अब चलते एक बार आपको बालकनी दिखाते हैं, बालकनी भी काफी प्यारा है, ये देखिए लुक रहने वाला है बालकनी से व्यू एकदम सामने फ्लैट रहेगा, ये देखिए वाह बालकनी भी ठीक है आपको साइज काफी बढ़िया है, बालकनी में आराम से आप वॉशिंग मशीन यहाँ पे रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी आपको कोई डर नहीं दे रखा है आपके वॉशिंग मशीन, ठीक है
यहाँ पे वॉशिंग मशीन दे सकते हैं और यहाँ पे एसएस का आपको ग्रिल लगा के दे रहे हैं। ठीक है, साथ में आप देखो कि बाहर भी जो आपको टोटली जो हमने टाइल वर्क इसके अंदर टाइल दे रखा है, और सामने देख सकते हैं आप रोड भी है, काफी अच्छा रोड है। रोड का क्या साइज रहने वाला है अपने फ्रेंड का? अराउंड 25 फीट की गली, 25 फीट की। और देखिए पूरा सोसाइटी में आपको काफी सारे घर बने हुए हैं। फ्लैट देख लिया, काफी बढ़िया फ्लैट है और बजट भी बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो भैया थोड़ा सा फ्लैट के बारे में डिटेल बता रहे, कैसे लोगों को आना है फ्लैट पे, आपके अगर पसंद आता है फ्लैट तो लेने। तो ये जो प्रॉपर्टी है, अगर मैं मेट्रो से बात करूँ तो 400-500 मीटर पे है। ठीक है, 65 गज के अंदर प्रॉपर्टी बनी हुई है, नियर बाय मेट्रो है। अगर मैं स्कूल की बात करूं, मार्केट की बात, कुछ आपको आसपास मिलेगा, सब कुछ यही है। ठीक है, और इसकी जो प्राइसिंग होने वाली है, सिर्फ 23 लाख रुपए प्रॉपर्टी मिलेगी आपको, और साथ में 90-95% लोन के साथ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, इसका जो बुकिंग प्रोसेस है आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको 11,000-21,000 में लेके आने हैं। बाकी 90-95% तक जो लोन है 10 एसोसिएट की टीम आपको करवा के देगी। ठीक है, और अगर आप इसको अभी एक हफ्ते के अंदर बुकिंग इसकी करते हैं, अभी इसके अंदर जो फ्लैट होने वाले हैं, अभी हमने इसकी बुकिंग स्टार्ट ही करी है, अगर आप इसको एक हफ्ते के अंदर बुक करते हैं तो इसके अंदर जो है आपको एलईडी भी मैं लगा के दूंगा। अच्छा, फ्री देंगे, एलईडी लगा के देंगे इसमें। ठीक है, काफी बढ़िया। देखिए ऑफर आपको एक हफ्ते के लिए दिए हुए। बाकी अगर आपके पास ऑफिस आना है तो कैसे आएंगे, कोई विजिट करेंगे कैसे? अगर आप मेरे ऑफिस आना चाहते हैं तो उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो के बिल्कुल पास में मेरा ऑफिस है, 691 पिलर नंबर के पास में, दयालसर रोड, 10 शिवम एसोसिएट, मुश्किल से आपको 50 मीटर की दूरी पे ही मेरा ऑफिस मिल जाएगा। ठीक है, लोकेशन आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, अपने पास ऑप्शन और क्या क्या अवेलेबल रहता है इसके अलावा, और भी होंगे इसके ऑप्शन 2BHK के? 2BHK चाहिए तो बेसिकली जो है ना स्टार्टिंग प्राइस है 18 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखना आपको है कि आपको क्या कन्वीनियंट है, बिल्कुल आपको किस टाइप की प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी विजिट करते हैं अगर तो आप और भी फ्लैट दिखाएंगे उनको, बहुत ऑप्शन है। ठीक है, बहुत सारी ऑप्शन आपको मिल जाएगी, आप एक बार विजिट करें ऑफिस में। आप एक बार विजिट करेंगे तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको पूरी जो है सेटिस्फेक्शन के साथ भेजे, सेटिस्फाई करके भेजे कि आपको क्या चाहिए, और वही चीज आपको देके भेजेंगे। ठीक है, बाकी लोन वगैरह की सारी फैसिलिटी आपको रहने वाली है यहाँ पे। अगर आपको फ्लैट लेना है तो आप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और डिस्प्ले पे नंबर आ रहा है, कोई भी इंक्वायरी रहना हो आपका तो इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको फ्लैट के रिगार्डिंग कुछ भी इंक्वायरी करना हो तो। थोड़ा पार्किंग वगैरह के बारे में बताएं, पार्किंग की फैसिलिटी मिलेगी? कार पार्किंग की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। अच्छा, 2BHK में भी कार पार्किंग रहने वाली है? कार पार्किंग। ठीक है, तो कौन से फ्लोर पे अभी मिल जाएगा? अभी इसके अंदर आपको जैसे मैंने बताया कि बुकिंग स्टार्ट ही हुई है, अपर फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कुछ भी बुक करवा सकते हैं, सारा ऑप्शन है। हां जी, इसके अंदर 2BHK भी है और 1BHK भी है। ठीक है, आप जैसे देख रहे हो दोनों ही फ्रंट साइड पे है, जैसे मैंने आपको बताया कि एल टाइप की प्रॉपर्टी है। ठीक है, दोनों ही फ्रंट पे है, इसके बिल्कुल सामने आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये एक फ्लैट ये हो गया, एक सामने जस्ट होने वाला, देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, स्पेस दिखाऊं तो काफी अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है, सारा रेलिंग वगैरह सब हम लगा के देंगे। ये देखिए एक फ्लैट ये रहेगा, एकदम फ्रंट टू फ्रंट फ्लैट रहने वाला है, मात्र दो फ्लैट रहेंगे एक फ्लोर पे। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये वन है। हाँ, ये बोला इसका, ये आपकी आप इसका भी देखो कि लिविंग एरिया इतना अच्छा दे रखा है, अपनी एल की सेटिंग से भी ठीक कर सकते, टीवी पैनल सब इसमें भी लगा के दे रहे हैं, ये 1BHK लेने वाला है, लाइट बहुत बढ़िया लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं, काफी बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छे से लाइट लगा के दे रहे हैं, दरवाजा सेम रहेगा, और रूम अगर देखें, किचन देखें तो किचन भी देखिए, बहुत ही बढ़िया किचन भी है इसमें, इसके अंदर इसके अंदर जो आपको चिमनी हम लगा के देंगे। अच्छा, चिमनी भी लगा के देंगे। हाँ जी, ठीक है, सारा लाइट का बहुत फैंसी लाइट भी ऊपर लगा हुआ है, फॉल सीलिंग भी है किचन में, वही सेम आपको जैसे आपने उस फ्लैट के अंदर देखा वही मॉडलर किचन सेम पैटर्न चल रहा है। इसके अंदर एक प्लस पॉइंट डोर भी है कि 1BHK के अंदर थोड़ा सा इशू रहता है कि आपको फ्रिज का स्पेस नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पे जो आपको बिल्कुल आप देखो सेपरेट फ्रिज का स्पेस मिल रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, रेफ्रिजरेटर के लिए आपको यहाँ पे स्विच भी दे रखे हैं, वही आप जैसे आप उस पे देखा वॉल पेपर सामने 2BHK में सेम है, इसमें भी सेम हमने कर रखा है, स्प्लिट एसी की फिटिंग इसके अंदर भी, फॉल सीलिंग देखो आप कितना प्यारा, इसके अंदर कितना हैवी डिजाइन दे रखा है, काफी शानदार डिजाइन दे रखा है इसके। ठीक है, एक बार बेडरूम भी दिखा दे तो आपको देखिए ऐसे रहने वाला है बेडरूम। बेडरूम का साइज अगर मैं बात करूँ तो 1BHK के अंदर इस साइज में पूरे उत्तर नगर में फ्लैट अवेलेबल है। क्या साइज है ऐसे बेडरूम का? इसका अराउंड जो साइज है अपना 11x10 का साइज। और ये देखिए एक और चीज दिखाना, पूरा आपको एक बेड के बाउंड्री आसपास ना सारा दे रखे हैं इसमें, वार्डरोब लगा के ऐसे वुडन का, काफी बढ़िया काम किया गया, ये देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है, और इसका फॉल सीलिंग भी थोड़ा अलग है, देखिए इसका काम इस है, हमने फ्लावर पैटर्न में यूज कर रखा है। ठीक है, काफी बढ़िया स्पेस भी दे रखा है इसमें, आप देखोगे इसमें बिग साइज आपको विंडो मिल रही है। ठीक है, वही सेम हैवी लॉक्स और मास्टर बेडरूम है, तो इसमें भी आपको वॉशरूम रहने वाला है, अभी कंप्लीट होना बाकी है। अब आप इसका वॉशरूम देखो, वॉशरूम के अंदर आपको दिखाता हूं अपना टोटल, इसके अंदर भी जो आपको फॉल सीलिंग मिल रही है, ठीक है, काफी अच्छा स्पेस इसके अंदर आपको, और यहाँ पे टीवी पैनल भी लगा हुआ है बेडरूम में, और यहाँ से चले जाएंगे आप बालकनी। ठीक है, ये देखिए बालकनी रहने वाला है अपना, यहाँ से बालकनी का व्यू देखो, इतनी बड़ी बालकनी मिल रही है इसके अंदर आपको, ये देखिए पूरा बालकनी, ये 3 फीट की बालकनी, 1BHK के अंदर इतना बड़ा साइज का आपको बालकनी दे रहे हैं, SS का वर्क हो रखा है इसमें भी देखेंगे तो,
और आप देखो सारे एंगल वगैरह ऑलरेडी ठीक है। फ्रंट साइड का ही फ्लैट है क्योंकि इसकी सामने वाली भी जो गली है अराउंड 15 और टाइल्स की पूरी फिटिंग है ऊपर तक। हां जी सर, टोटल इसके अंदर आपको ठीक है कुछ मिल रहा है। तो इस फ्लैट का क्या प्राइस पड़ने वाला है? इसकी प्राइसिंग होने वाली है 17 लाख रुपए में, प्रॉपर्टी में आपको दूंगा मात्र 17 लाख में, ये वाला मिल जाएगा 17 लाख रुपए में 45 गज। ठीक है, 45 गज का मात्र 17 लाख रुपए पड़ेगा। इसमें भी लोन वगैरह सारा रहेगा जैसे सब कुछ टोटल वही 90-95% था। ठीक है, आपको लोन मिलेगा। मात्र 2 फ्लैट रहने वाला है एक फ्लोर के अंदर, सिर्फ 2 यूनिट है इसके। ठीक है, अगर आपको और फ्लैट की वीडियोस भी देखनी है तो YouTube पे मेरा चैनल है शिवम एसोसिएट के नाम से, तो आप उस पे जो है वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप अभी निखिल भाई के चैनल पे हैं तो आप निखिल भाई के चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लिंक मेरा मेंशन है, और भी बहुत पहले पहले प्रॉपर्टीज की मैंने वीडियोस डाली हुई है। तो मेरे चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का घर बन जाए।